सारण जिला के राजद के प्रत्याशी श्रीकांत यादव जी के टिकट मिलने पर राजद के कार्यकर्ता में खुशी की लहर। उनके दरवाजे पर कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं देने के लगाया भीड़। उनके दरवाजे पर डुप्लीकेट लालू यादव कहे जाने वाले काफ़ी चर्चित आदमी से हमारे संवाददाता ने किया मुलाकात, और आइए इस मुलाकात में उन्होंने एकमा विधानसभा के बारे में क्या चर्चा किया है, आइए जानें। नमस्कार, आइडिया सिटी में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं अभी 2020 के चुनावी जो चल रहा है, बिगुल बजा है, उसमें सारण के 113 एकमा विधानसभा क्षेत्र से श्रीकांत यादव जी को राजद पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। अभी उनके आवास पर डुप्लीकेट लालू कहे जाने वाले उपस्थित हैं, आइए उनसे पूछते हैं। श्रीकांत जी को राजद से उम्मीदवार बनाया गया है, इसमें आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको चैनल को हम नमस्कार कर रहे हैं। दूसरा, बिहार के मुखिया माननीय लालू प्रसाद जी, बिहार के मुखिया आरजेडी के सुप्रीमो, गरीब दलित पिछड़ा अकलियतों का नेता माननीय लालू जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सारण प्रमंडल के धरती पर एक ऐसा युवा प्रत्याशी जो सपनों में कभी यहाँ की जनता कभी तय नहीं किया था कि श्रीकांत यादव जैसे व्यक्ति एकमा विधानसभा को मिलेगा, और खास करके जो एकमा विधानसभा हम कोरोना वायरस में भी घूमे, लालू जी के जन्मदिन के दिन भी हम आए हुए थे, तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ के जो पूर्व में या वर्तमान में यहाँ के लोकल जो विधायक है, आज तक वो अपने बारे में ही सोचे, एकमा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कभी सोचबे ही नहीं किया। या अभी एमपी साहब हैं, या आपके विधायक जी हैं, या माननीय जब बिहारे के मुख्यमंत्री नहीं सोचे तो एमपी एमएलए के सोचने का सवाल ही नहीं होता है। आज कोरोना वायरस जैसा महाबीमारी से ये चुनाव में झोंक दिया गया, आज नौजवान का भविष्य खराब हुआ, आज रोजगार नहीं है, एक भी सुई का कारखाना इन्होंने नहीं खोला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला कि 15 लाख रुपया हम खाता में डालेगा, क्या वो खाता रिलीज हुआ कि खाते बंद हो गया? आज हमारा देश काम चाहता है, नौजवान काम चाहती है, उसी अवज में राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार भाई श्रीकांत यादव जी आज युवा प्रत्याशी, बच्चों के लिए चाचा, बूढ़ों के लिए लाठी और माता और बहनों के लिए रक्षा बन के आए हैं एक माह में। राजद का प्रत्याशी श्रीकांत यादव जी को बनाया गया है, जिसके खुशी में कार्यकर्ता उनके द्वार पर बधाई देने के लिए जुट रही है, आगे क्षेत्र में कैसे रणनीति से आप जाएंगे? देखिए, रणनीति तो हम लोग तरह रणनीति तो जनता बताएगी, और जनता तो डिसीजन दे दिया है। नीतीश कुमार को जनता नहीं चाहती है, नीतीश कुमार सिर्फ मुद्दा आप क्या बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा क्या बनाएंगे? कोरोना वायरस है, कोरोना में गरीबों को बेइज्जती किया, जब तेजस्वी बोले कि हम 50 ट्रेन दे रहे हैं, उस समय नीतीश कुमार रोक लगा दिया। नीतीश कुमार अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहते हैं, ना उनको बिहार के गरीब से मतलब है, ना बिहार के दलित से मतलब है, ना बिहार के किसान से मतलब है, ना बिहार के बेरोजगार से मतलब है, ना बिहार से महिला से मतलब है, ना बिहार के बेटियों से मतलब है, ना बिहार के बहनों से मतलब है, ना बिहार के किसानों से मतलब है, उनको सिर्फ अपने कुर्सी, अपने सत्ता का भोगी से मतलब है। एक कुर्सी बाबू हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, हम कुर्सी बाबू हैं, आए बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, हम तो कहते हैं कि बिहार में बलात्कार है तब नीतीश कुमार है। आपने क्या किया पूरे, जब लालू प्रसाद यादव गरीब का बेटा, चरवाहा का बेटा, एक फाटल लेवा से और गुजरी के लाल, जब श्री माई मरछिया के लाल श्री लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली के रेल मंत्री बनता है तो चूका में चाय पिलाता है, और हमने कहा है कि बहुत बड़ा हमको गेम खेल के
बार बार मेरा बेल होता है और मेरा बेल को रिजेक्ट किया जाता है। आज मोहम्मद साहबुद्दीन एक मुसलमान के आज लालू यादव को चारा घोटाला में चाईबासा के तरफ से जमानत मिल गई है, जबकि दुमका की तरफ से नहीं मिली है। देखिए दुमका में भी मिलेगा क्या? उस इस चीज़ को आप लोग चुनाव प्रचार के दरमियान इस चीज़ को भुनाएंगे? हम उस चीज़ को चुनाव में वो कोर्ट की मामला है, कोर्ट जाने, मगर हम अपने नेता के संदेश को जनता के बीच में इस 2020 की इलेक्शन में हम पब्लिक के बीच में और जनता के बीच में हम जाएंगे। अपना नेता का जो उनका मैनिफेस्टो है और उनको साजिश करके जेल भेजा गया, क्यों भेजा गया, हम इस बात को जनता के बीच में रखेंगे। चलिए धन्यवाद।